सो अभी क्या है ना कुछ नहीं भाई, कमर टूट गई है। हाँ। बहुत देर से जो है कमर में झटके 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 लग रहे हैं, झटके झटके झटके। I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me, when you don't talk to me. So आ चुके हैं अपन NH 160 पे और 700 मीटर्स के बाद हमने एक्चुअली थोड़ा सा आगे ले लिया। मेरा एक फ़ोन आ गया था ऑफिस से। सो अभी आपने को लेफ्ट हैंड साइड लेना है, यू टर्न लेके वापस जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। दिस इज़ NH 160 जो आगे नासिक धुले होते हुए अगर हमें गुड़गांव जाना होगा तो हम ये रूट ले सकते हैं। सो मुंबई यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 88 किलोमीटर्स है, थाने 53 किलोमीटर्स है। तो अपन अभी इधर से मार लेंगे लेफ़्ट, क्योंकि मुंबई तो अपने को जाना नहीं है। सो रास्ते रियली बम्पी हैं, रास्ते ख़राब हैं एक्चुअली। NH 160 से उतरने के बाद ऐसे रोड्स हैं और रोड्स पे पॉट होल्स हैं, तो काफ़ी बम्पी हो रही है अपनी राइड। आगे थोड़ी देर पे शायद हम हाईवे पे मिलें, तो अभी बताता हूँ आपको। मीनवाइल तो गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही है क्योंकि बहुत हिल रहे हैं। Just look around guys, just look around। मतलब हर तरफ एकदम सामने क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है। पूरा ग्रीन है, एकदम ग्रीन। ऐसा लग रहा है कि ग्रीन पेंट करके उस पर ब्लैक एक लाइन बनाई है, वो ब्लैक लाइन एक्चुअली रोड है और हर जगह सिर्फ ग्रीन पेंट स्प्रेड कर दिया है। मज़ेदार भाई, मज़ेदार, एक नंबर। जय महाराष्ट्र। देख रहे थे बहुत ऊबड़ खाबड़ रोड था, बीच बीच में जो पैचेस हैं वो खराब हैं, बहुत ज़्यादा खराब हैं। मतलब सेकंड गियर पे भी ऐसा लग रहा था कि भाई आप एकदम कैमल राइड कर रहे हो, इतनी उठा पटक हो रही थी। एंड XUV एनीवेज थोड़ा हाई ग्राउंड क्लियरेंस के वजह से थोड़ा ज़्यादा बॉडी रोल फील होता है, बट ठीक है। अभी नया वाला अच्छा रोड का पैच स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर दही और पानी पी करके छोड़ देंगे तो मट्टा बन करके निकल जाएगा बाहर। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। So भाई साहब कमर की तो जैक लगी बड़ी है। अब ये एक्चुअली रोड ख़राब है पहले से ही, या फिर अभी जो फ्लड था, जो सिचुएशन थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मानसून का पानी था, उसके वजह से रोड ख़राब है। क्योंकि आई कैन सी ए लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग दोज रोड्स, मतलब वो पैचेस को भर रहे हैं। सो क्या था मुझे सीरियसली नहीं पता, बट अभी तो कंडीशन बहुत ही ख़राब है। बहुत एकदम रोड है ही नहीं, इट्स कम्प्लीटली वॉश्ड ऑफ। सो अभी क्या है ना कुछ नहीं भाई, कमर टूट गई है। हाँ। बहुत देर से जो है कमर में झटके 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 लग रहे हैं, झटके झटके झटके। दही का लस्सी बन चुका है, हो सकता है छाछ भी बन जाए, तो पता नहीं है। रोड का कंडीशन ऐसा ही है। 7 किलोमीटर और बता रहा है NH को टच करने में, और हिम्मत जुटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ दिखाते हैं आपको, अगर कुछ दिखाने लायक भी हो तो। पता नहीं कितना कुछ दिखाने लायक है या नहीं है, बाकी विकास भाई बताएंगे अभी। यार इन शॉर्ट मजा आ रहा है। हाँ, मजा डाल रहे थे, पता नहीं कितना ज्यादा डल गया, लगता है ज्यादा डल गया मजा। इस बार ज्यादा डल गया भाई, मजा ज्यादा डल गया, रोड पे ज्यादा डल गया। सो अपन आ गए हैं NH। अरे भैया क्या भैया एक्सीडेंट करवा दोगे आप तो। ना ना बैटरी लेके जा रहा है ये सारी गाड़ियाँ मुड़ क्यों रही हैं यार। अभी कितना टाइम बाकी है भाई? 48 मिनट्स स्टिल और 42 किलोमीटर्स। रास्ता अच्छा हो गया है। सो कॉल्ड ये है NH 61 और ये हमें सीधा मालसेज ले जा रहा है। तो जय हिंद जय महाराष्ट्र। There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it, no, I can't hide it anymore. So Malshej is 28 kilometers and road देखो guys, बारिश, भींगी हुई रोड, भींगे हुए पत्ते, हरियाली हर तरफ। सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ऑन दीज रोड्स यार। मतलब पुणे और मुंबई वालों को तो पता ही होगा यार ये कितना अमेजिंग जगह है। और अभी जगह आया नहीं है सो ये सिर्फ जर्नी है। यहाँ पे डेस्टिनेशन भी इक्वली इंटरेस्टिंग है। सो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन मालसेज की तरफ। So just look at this guys, it is so green। क्या मस्त नेचर है। अच्छा नेचर से याद आया कि खेत में जाना पड़ेगा बिकॉज़ कल हमने कुछ चिकन ज़्यादा खाया था और नेचर्स कॉल आ चुका है मुझे। तो मैं थोड़ा निपट के आता हूँ, तक मनी यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह खींचेगा, एंजॉय करेगा। और एक और चीज़ तो दिखाना ही भूल गया। रुक जाओ, हम रुके क्यों? ये नाने घाट के लिए जगह है एंड जस्ट लुक एट द रोड। क्या मस्त रोड है यार, एकदम डाउनहिल। तो बारिश बहुत तेज़ हो गई है। जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए थे वो फोटोग्राफ वो वीडियो तो बनाना रह ही गया, बट ठीक है अभी कुछ नहीं कर सकते। बारिश को एंजॉय करते हैं, चलते हैं आगे। आपको वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं बादल से घिरे हुए, एग्जैक्टली हमें वहाँ पे जाना है। एंड बारिश होने के बाद तो ये नज़ारा और भी सुंदर हो गया यार। मतलब इससे ज़्यादा सुंदरता ना मेरे इस ट्रिप में मैंने अभी तक नहीं देखी यार। इतना सुंदर है ये, इतना ज़्यादा सुंदर है। सो हमें पहला वाटरफॉल दिखा है जो कि है सामने, आपको शायद नज़र ना आए बट ठीक है अभी ऊपर और मिलेंगे तो ऊपर आपको और दिखाते हैं। क्या फाड़ू जगह है यार। 7.2 किलोमीटर। ओए होए होए होए, लगाओ गाड़ी भाई, लगाओ गाड़ी। ये देखो नज़ारे, लगाओ गाड़ी। हाय 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 हाय, बंद करो वाइपर। ओए होए क्या नज़ारा है भाई। चलो बाहर चल के दिखाता हूँ। ओके सो ऐसे करके वीडियो बनाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ बारिश हो रही है एंड नज़ारा बहुत औसम है बॉस, दिखाता हूँ। ओके सो ये है पहला वाटरफॉल जो हमें दिखा है। दिस इज़ द वाटरफॉल और ये बहुत अमेजिंग है। बहुत ऊपर से बारिश आ रही है एंड मैं बारिश में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अभी हम 5.5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स देयर एंड फिर आएंगे यहाँ पे वापस। सो अपन अभी कुछ फोटोग्राफ लिया यहाँ पे, बहुत अमेजिंग। बाहर का टेम्परेचर 24 डिग्री है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा एसी ऑफ करके खिड़की खोलते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पूरे रोड के साइड पे वाटरफॉल है एंड बारिश हो रही है, पूरे हाईवे पे ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब हम बहुत अनप्रडिक्टेबल था ये ट्रिप। मालसेज ये घाट को बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड एंड एवरीथिंग, बट लकीली आज ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वी आर एबल टू कवर इट एंड देन गाइज जस्ट लुक एट द ब्यूटी, जस्ट लुक एट द ब्यूटी। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। Yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it. No, I can't hide it anymore. तो अभी उतरते हैं यहाँ पे, सामने नज़ारा देख ही रहे हो। फोटोग्राफ लेते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, इस कैमरे से नहीं दूसरे कैमरे से बाहर से निकल के। ओके सो हम आ चुके हैं गाड़ी से बाहर वादियों में, और ये नज़ारा, ये एक्चुअली वाइट स्क्रीन नहीं है, ये पूरा का पूरा क्लाउड है। एंड जस्ट लुक एट इट। आपको गाड़ी नहीं नज़र आ रही होगी, देखो गाड़ी आ रही है, वहाँ से बस आ रहा है, एक्चुअली ट्रक है, पता ही नहीं चला कि बस है कि ट्रक है। हमने गाड़ी यहाँ पार्क की है, अभी अपन इसके आगे और जाएंगे। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। थोड़ा फॉगी है, थोड़ा क्लाउडी है, थोड़ा सा सेक्सी है, लेकिन है ज़बरदस्त बॉस। सो यहाँ पे बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रखा है। मनी गाड़ी चला रहा है, मनी धीरे चलाना क्योंकि विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगा। ओके सो अभी हम बाहर हैं, जस्ट लुक एट इट, कैन यू सी। एंड यहाँ पे ऊपर से झरना गिर रहा है इधर। सो बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। To you I want you back, there's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it. No, I can't hide it anymore. और ऊपर झरना और हमारे गाड़ी का कार वॉश। तो बादल ने सारा काम खराब कर रखा है। एज ए सीनिक तो बहुत है बादल के साथ भी फोटोग्राफ लेने में, बट जो हमें वाटरफॉल एक साथ बहुत सारे जो वाटरफॉल होते हैं वो आप देखो, आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कोई व्यू पॉइंट है ऐसा जहाँ से कुछ दिखे। यहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ा मैगी शैगी खाते हैं, उसके डिसाइड करते हैं कि आज लोनावला रुकना है या पुणे चलना है। अपन तो मस्त मलंग आदमी है, कहीं भी निकल लेंगे। दोनों का डिस्टेंस साला यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। चल ऑफलाइन अगर होगा तो वो देखते हैं, या फिर नीचे उतर के सोचते हैं कौन सा अपने किसी को घर जाना है। सो यहाँ पे व्लॉग करने में भी डेंजरस ही है। ये बंदर फोन ना छीन ले, एक्शन कैम निकाल, ये बड़े बदमाश हैं। सो अपन इधर अभी मैगी खा रहे हैं, चाय पियेंगे एंड शायद भुट्टा भी खाएंगे। तो रास्ता अमेजिंग है यार, बहुत बहुत अमेजिंग। सो अभी थोड़ा क्लाउड्स कम हुआ है। सो लुक एट द ब्यूटी गाइज, लुक एट द ब्यूटी। मतलब क्लाउड्स के वैसे वो सारा छुप गया है, बट जो अमेजिंग हवा चल रही है, एकदम क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। सो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, सो कुछ लोग वहाँ पे हैं एंड वो पूरी घाटी है। सो मैं डेफिनेटली वहाँ पे नहीं जा रहा। मुझे आगे और भी ट्रिप्स करने हैं। एक गलती एंड ख़त्म। फिट्टोस फिट्टोस। अपनी गाड़ी उधर पार्कड है, वहाँ पे हाथ पे फोकस, गाड़ी पे फोकस। और अब अपन यहाँ से वापस जाएंगे। अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम लोनावला जाने वाले हैं या फिर पुणे में रुकने वाले हैं। अभी मन ही आता है, फिर बात करते हैं। मज़ा आया यार, मैगी खा के बहुत मज़ा आया। चाय, दो चाय पी, मैगी खाया, भुट्टा खाया और नज़ारे। बारिश स्टार्ट हो गई है तो मैं शेड के अंदर हूँ, इस शेड के अंदर। मनी आ रहा है। I don't know why, but I can't seem to get you off